नामांकन होने के बाद नगर निगम चुनाव अब अपने रंग में रंगने लगा है। चारों ओर भारी संख्या में नगर निगम पार्षद पद उम्मीदवार रैलियां निकाल रहे हैं। इसी चुनावी संग्राम में वार्ड नंबर 23 से मजबूत शिक्षित महिला उम्मीदवार नेहा भदौरिया ने अपने वार्ड की कॉलोनियों की दुर्दशा को देखने के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली, जिससे टूटे फूटे रास्तों पर पैदल चल रही नेहा भदौरिया ने सभी वार्डवासियों से हाथ जोड़कर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सभी वार्डवासियों का समर्थन चाहती हूं, ताकि असुविधाओं के बीच नारकीय जीवन जी रहे कॉलोनी वासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं नेहा ने अपनी जीत पक्की करते हुए कहा कि उन्हें पूरे वार्ड का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसका नजारा बाइक रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। सरस्वती ग्राउंड से हमने शुरू करा है, पूरा अपना जितना हमारा वार्ड है हम पूरे में जाएंगे, और जोश बहुत अच्छा है, वो आप लोग पीछे देख सकते हैं पूरी भीड़। जी, आप कॉलोनी से होके लेकिन किस तरह की समस्याएं आपको देखने को नजर आई है इस कॉलोनी में? सबसे बड़ी समस्या है पानी निकास, और उसके बाद दूसरी समस्या है कूड़ादान, जो हर एक कोने में हर एक घर के साइडों में एक कूड़ादान बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे खेल नहीं पाते हैं। सबसे जो मेन समस्या हमने देखी है तो वो पानी का निकास है और ये कूड़ादान। रोड है जो ऊंची नीची है, जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं, सीधी नहीं है, रोड बनना, पानी की निकासी और ये कूड़ादान जो बना हुआ है। आपको ये तरह तरह की मूलभूत असुविधाएं आपको देखी है, समस्याएं देखी है, क्या इनका आप समाधान करेंगे अगर पार्षद बनती है तो? उनका समाधान करने के लिए ही निकले हैं।